मैं राजकुमार श्री और अरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 ग्रामश्री को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। मैं सबसे पहले आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता ग्रामश्री में गांव के खेतों के मनोरम रूपों का, मनोरम दृश्यों का वर्णन किया गया है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार के माध्यम से कक्षा के छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में पढ़ाए गए कंसेप्ट्स का पुनः अध्ययन करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं और पढ़े गए कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि की बात की जाए तो इसमें कुल 20 मिनट का समय लगता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार के क्रियान्वयन के माध्यम से पाठ में प्रयुक्त हुए कंसेप्ट जैसे शब्दावली, विशेषण इत्यादि कंसेप्ट का छात्र पुनः अध्ययन करते हैं। नवाचार के लिए पूर्व प्रबंधन की बात करें तो शिक्षक कक्षा के छात्रों के लिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। नवाचार क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे नवाचार क्रियान्वयन से एक दिन पहले ही शिक्षक छात्रों को निर्देश दे देते हैं कि आपको अपने घर से एक पर्ची में जो पाठ आपको पढ़ाया गया है उस पाठ के नए शब्द लिखकर लाने हैं। अगर आप बना सके तो उन शब्दों से संबंधित कोई डायग्राम बनाकर भी लाना है। साथ ही साथ शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सारे छात्र इसमें एक्टिवली हिस्सा लें। उसके अतिरिक्त शिक्षक इन बच्चों को ये बता देते हैं कि अगर आपके द्वारा वर्ड नहीं बोले जाएंगे तो मैं कक्षा में हूँ, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पुनः अध्ययन की बात की जाए तो शिक्षक इसके माध्यम से छात्रों को पढ़ाए गए कंसेप्ट जैसे कि शब्दावली, विशेषण इत्यादि का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। गतिविधि शुरू करने से पहले शिक्षक छात्रों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कुछ छोटे प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या बच्चों आपको पता है आज हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। बच्चों के द्वारा जब जवाब नहीं मिलता है तो शिक्षक उन्हें कुछ और तरीके से प्रेरित करते हैं, जैसे आपको पता है इस बॉक्स का हम क्या करने वाले हैं, उस बॉक्स से हम एक गेम खेलेंगे, क्या आप इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहेंगे। तो कलरफुल चार्ट पेपर देते हुए बच्चों से ही वो बॉक्स कवर करवाया जाता है, उसे सजाया जाता है, फिर बच्चों से ही साफ सुथरी हैंड राइटिंग में उसके ऊपर एक शब्द लिखवाया जाता है, शब्द सागर। अब बच्चों को खेल के नियम समझाते हैं, जैसे कि आज आप द्वारा कुछ पर्चियाँ लाई गई है जिसमें आपने कुछ शब्द लिखे हैं, हम उन पर्चियों को इस बॉक्स में डालेंगे। किसी भी एक बच्चे को आगे बुलाया जाएगा, वो लकीली में से पर्ची निकालेगा और जो पर्ची उसके हाथ में आएगी वो शब्द पढ़ेगा। शब्द पढ़ने के बाद उसका एक वाक्य बना करके सारी कक्षा के सामने बोलेगा। इस प्रकार से बच्चों को बताया जाता है। अब उदाहरण की बात करें, जैसे एक बच्चे को आगे बुलाया गया और बच्चा जब आगे आता है तो उसने एक पर्ची निकाली, उस पर्ची में एक शब्द मिला टमाटर। बच्चा सबसे पहले जोर से वो शब्द पढ़ता है टमाटर, फिर पढ़ने के बाद एक वाक्य का प्रयोग करता है, जैसे टमाटर लाल होते हैं। इसी प्रकार बच्चों को वन बाय वन आगे बुलाया जाएगा, बच्चे शब्द पढ़ेंगे और वाक्य बनाकर सबको सुनाएंगे। जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ सकते हैं वे कोई उसका डायग्राम देख करके अपनी व्याख्या कर सकते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि बच्चे दूसरों के द्वारा कही गई बातें सुनकर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछते हैं। पढ़ी हुई बातों को अपने निजी अनुभवों के साथ में कोरिलेट करते हैं, उनके आपस में तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं और अपनी मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए शब्दों के संदर्भ को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं, जैसे प्रस्तुत कविता ग्रामश्री को प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में पढ़ाया जाता है। शिक्षक पर्ची में लिखे हुए शब्दों के साथ उनके ऊपर बने हुए चित्रों के माध्यम से बच्चों को
शब्द बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक प्रश्न पूछ करके भी बच्चों के साथ में एक सामंजस्य बनाते हैं, जिससे उनकी सहभागिता बनी रहती है। सभी छात्र आपस में तालमेल बनाए रखते हैं, सीखने के प्रति जागरूक होते हैं। इस पूरे नवाचार के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इसमें PDR अनुपात को भी ध्यान में रखा गया है। जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, उनको इससे लाभ प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।